देखिए, राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता चली गई है तो जाना तय था, कानूनी प्रक्रिया के तहत यह सारा कुछ हुआ। लेकिन कांग्रेस को पहले अदालत पर विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं, और वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी को लोकसभा को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, क्योंकि ये संभवतः जिस तरीके का उनका आचरण रहा, ये उनका लोकसभा में अपने राजनीतिक जीवन का अंतिम दिन था। क्योंकि इस देश की जनता उन्हें माफ करेगी, उन्हें उनके कर्मों के कारण ऐसा विश्वास नहीं होता। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने विदेशों की धरती से भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका से मदद मांगी थी। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने ब्रिटेन में कैम्ब्रिज की धरती में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पिछड़े वर्ग को गाली दी थी, एक जाति समूह को चोर कहा था, तो उनको इसके लिए जनता माफ करेगी ये उम्मीद नहीं है। तो बहरहाल, उनका लोकसभा के कार्यकाल का, उनके राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दिन हमारे हिसाब से है, और आने वाला जो भी जीवन का वो रास्ता चुनते हैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं। देखिए, ये फैसला अचंभित करने वाला है, और ये लगता है कि लगातार जो इनका प्रयास था कि आदरणीय राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ नहीं बोले और सदन में उनको बोलने से रोका जा रहा था, अब ये जो लोकसभा की कार्रवाई हुई है, इससे प्रतीत होता है कि ये लोग लोकसभा में नहीं बोलना देना चाहते हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि हम सदन में नहीं, सड़क पे अपनी बात को रखेंगे, और जनता जानना चाहती है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है और जो अडानी के घोटाले हैं, उससे देश के लोगों का पैसा कितना जा रहा है और कितना डूब रहा है। तो ऐसे में हम सब पूरी तरह से तैयार हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ पूरे शिद्दत के साथ खड़े हैं, और जो उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी वो काफ़ी केंद्र सरकार को महंगी पड़ने वाली है। और जिस तरह की कवायद की गई है, हम समझते हैं निंदनीय है। इससे ओछी हरकत शायद हिंदुस्तान की राजनीति में पहले कभी नहीं हुई, और ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।